नमस्कार दोस्तों, आरबी चिकित्सा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डायबिटीज के रोगों के 10 घरेलू नुस्खों के बारे में। डायबिटीज अब उम्र, देश व परिस्थिति की सीमाओं को लांघ चुका है। इसके मरीजों का तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, दुनिया में चिंता का विषय बन चुका है। चलिए जानते हैं इसके कुछ देसी नुस्खे के बारे में। मधुमेह के मरीज को प्यास अधिक लगती है, अतः बार बार प्यास लगने की समस्या में नींबू निचोड़कर पानी से प्यास की अधिकता शांत होती है। मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन देने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में उनको भूख बार बार लगती है, इस स्थिति में आप खीरा काट कर खाना चाहिए, इससे आपको भूख कम होगी। इन रोगियों को गाजर पालक का रस मिलाकर पीना चाहिए, इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है। मधुमेह के रोगियों को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, इससे आपको रोशनी और अतः सजमल की सब्जी, पराठे आदि भी खाना चाहिए। जामुन, मधुमेह के रोगों के लिए जामुन एक बहुत ही अच्छा फल है। इसकी गुठली, छाल, रस और गूदा सभी मधुमेह में बहुत फायदेमंद है। करेले, प्राचीन काल में करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है।